जय माता दी दोस्तों, नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आप लोगों के साथ माहेश्वरी रसोई में एक और बहुत ही टेस्टी और एकदम इंटरेस्टिंग झटपट बनने वाली नवरात्र स्पेशल फरारी थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी ही एक बहुत ही बढ़िया सी थाली स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग फलारी थाली की शुरुआत मैं हमेशा की तरह मीठे से करूंगी और आज जो मीठा बनाएंगे वो लौकी के साथ बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने वजन में आधा किलो एकदम कच्ची और फ्रेश लौकी ले लिया है। लौकी को अच्छे से वॉश किया और उसके बाद उसे छील लेंगे और उसके बाद बारी है फ्रेंड्स इसे ग्रेट करने की। ये लौकी को बढ़िया सा धो लें। अगर आप जो लौकी इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा मोटी है तो उसका जो बीच वाला हिस्सा आता है जिसमें बीज होते हैं आप उसे निकाल दें। गैस ऑन करिए, उसके ऊपर कढ़ाई रखिए और कढ़ाई में हम डालेंगे बिल्कुल 1 टेबल स्पून जितना देसी घी। और ये घी रेसिपी में एकदम कमाल करेगा और बहुत ही रिच टेस्ट की हमारी लौकी की खीर तैयार होगी। ऐसी खीर यकीनन आपने अब से पहले तो कभी नहीं खाई होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसे 3-4 मिनट तक मैंने ढककर पका लिया है जिससे घी के साथ लौकी अच्छे से पक चुकी है। और देखिए, जब बढ़िया सी हमारी लौकी पककर तैयार हो जाए उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे जिससे एक तो लौकी का टेस्ट बढ़िया आ जाएगा, खीर बढ़िया बनेगी। और कई बार क्या होता है कि लौकी थोड़ी कच्ची सी रह जाती है, वो प्रॉब्लम भी आपकी यहीं सॉल्व हो जाएगी। तो ये मैंने करीब 1 लीटर जितना दूध लिया है और उसके अंदर मैंने 2 लीटर दूध की मलाई डाली है, यानी काफ़ी सारी मैंने मलाई डाल दिया है। और अब हमारी जो खीर बनेगी इसी मलाई और थोड़े से घी की वजह से बहुत ही रिच टेस्ट की बनेगी। काफ़ी कुछ इसमें आपको रबड़ी जैसा टेस्ट आएगा। तो बस इसे डालने के बाद हम इसे 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार पकाएंगे, परंतु अब इसका लीड नहीं लगाएंगे, यानी आपको इसे खुला ही पकाना है। अगर आपने लीड लगाया तो खीर उतनी बढ़िया नहीं बनेगी। और मैंने इसे 10 मिनट तक पका लिया है। खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। एक बढ़िया कलर और बढ़िया खुशबू के लिए मैंने लिए थोड़े से केसर के धागे जिसे मैंने थोड़ी सी देर के लिए दूध में भिगो दिया था। इस केसर से एक तो रंग बढ़िया हो जाएगा और साथ ही काफ़ी अच्छी केसर की खुशबू आएगी और देखिए क्या शानदार लग रही है। बस 5 मिनट और पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट में खीर तैयार हो जाएगी। खीर बनाने हैं तो मीठा तो करना ही होगा। तो बस उसके लिए मैंने इसमें बिल्कुल वजन करके 100 ग्राम जितनी चीनी डाल दी है। मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम या ज़्यादा। और अब बारी है इसको रिचनेस देने की। तो उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, ये गए 1 टेबल स्पून जितने काजू, 1 टेबल स्पून जितने बादाम, और ये लिए थोड़े से हरे पिस्ते और ड्राई फ्रूट चंक्स। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं पसंद है पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। और आप फ्रेंड देख सकते हैं क्या ये लग रही है नॉर्मल खीर, बहुत ही टेस्टी एकदम रिच हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। आप फलहार में बनाइए या वैसे ही बनाइए, हर तरह से बढ़िया लगेगी। और अब हम बनाएंगे एक स्पेशल सब्जी जिसे हम कोफ्ते की बनाएंगे। तो पहले उसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून जितने काजू लिए हैं, 1 टेबल स्पून से कम मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं और 1 टेबल स्पून से थोड़े से कम मैंने मगज़ यानी कि खरबूजे के बीज ले लिए हैं। इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। और ये लिया है मैंने तेज गर्म दूध जिसमें हम 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे जिससे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से फूल जाएंगे। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े से फूल गए हैं। आपके पास समय है तो आप आधा से 1.25 घंटे के लिए इन्हें भिगो कर छोड़ दीजिए। और ये लिया 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया, आपके पास होल धनिया है तो उससे बनाइए, उसकी फ्रेगनेंस और भी अच्छी होती है। और ये गई 3-4 हरी मिर्चें, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर मिर्चें ज़्यादा तीखी हैं कम ले सकते हैं। 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा डाल दिया और बस इन सब चीज़ों को बढ़िया सा पेस्ट भी कन्वर्ट कर लिया है। और ये देखिए हमारा बढ़िया सा पेस्ट तैयार है, एकदम बारीक सा मैंने इसे पीसा है। और आज मैं सब्जी बनाऊंगी पम्पकिन के साथ, इसे पम्पकिन भी कहते हैं, काशीफल कहते हैं, मीठा पेठा कहते हैं, कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये व्रत में आराम से खा सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। और इसकी सब्जी जो बनती है खट्टी मीठी भी बहुत बढ़िया बनती है। आप इसकी आलू डल के सब्ज़ी बनाइए सूखी, वो भी बहुत बढ़िया बनती है। लेकिन आज मैं बनाऊंगी इसके साथ कोफ्ते की बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। आप किसी और तरीके की सब्ज़ी के लिए एक बार को बिना छीले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको उसके छीलना कंपलसरी है। तो उसके बाद आप चाहें तो इसे ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लें, और अगर आपके पास चॉपर है तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, फटाफट आपका काम हो जाएगा।
सेकेंड में ये देखिए बढ़िया सा ग्रेट हमारा इस तरीके से मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है और इसी में कर लिया बड़े से मिक्सिंग बाउल के अंदर। और ये गया 1/4 टीस्पून जितना नमक, बहुत ज़्यादा आपको इसमें मसाले नहीं डालने हैं। और उसके बाद मैंने लिया है कूटू का आटा, पहले मैंने इसमें डाला है 3 चम्मच जितना आटा, बहुत ज़्यादा आटा एक बारी में डाल लें वरना आपको इसमें सिर्फ आटे का टेस्ट आएगा। और हम बनाने हैं कोफ्ते काशीफल से, तो बस काशीफल का टेस्ट आना चाहिए। 1 टीस्पून जितना और डाल दिया, इसमें आपको बेकिंग पाउडर सोडा ऐसा कुछ भी नहीं डालना है, बस आप आटा देख कर डालें, आटा बहुत ज़्यादा ना डालें। और ये देखिए परफेक्ट तैयार हो गया है। इधर मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। मैंने तिल के तेल का इस्तेमाल किया है, आप मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जैसे भी आपको कोफ्ते पसंद हो उस तरीके से आप कोफ्ते बना लीजिए। कोफ्तों को आपको डालने के तुरंत बाद टेस्ट नहीं करना है, कुछ देर उसका समय दें जिससे उसका आउटर लेयर थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए बढ़िया से कोफ्ते सीख तैयार है, 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, एकदम परफेक्ट कोफ्ते तैयार हैं। तो चलिए इन्हें तो डिश आउट कर लेते हैं और अब बनाते हैं बढ़िया सी सब्जी। ये देखिए जो कोफ्ते बने हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। तो बस गैस ऑन करिए, उसके ऊपर कढ़ाई रखिए और फिर से कढ़ाई में हम डाल देंगे ये 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। ऑयल मैंने वही ले लिया है जो अभी गर्मा गर्म तैयार रखा था, जिससे काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बस इसमें गया 1 टीस्पून जितना जीरा, और जीरे के साथ ही मैंने ले लिया ये वो पेस्ट जिसे हमने मिक्सी में चला कर रखा था। इससे सब्जी बहुत ही रिच टेस्ट की बनेगी, और एक बार अगर आप बनाएंगे ना तो आपको हर नवरात्र में या कोई भी फलाहार का व्रत करेंगे आपका ज़रूर बनाने का मन करेगा। उसके बाद लिया 1/2 कप जितना फ्रेश दही, और इसमें आपको जो दही लेना है वो फ्रेश लेना है, खट्टे दही से वो वाली बात नहीं आएगी। और ये गई 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्चें। अगर आप व्रत में लाल मिर्चें नहीं खाते हैं कोई इशू नहीं है, आप इसे काली मिर्च के साथ बनाइए, बढ़िया टेस्ट करेंगी। बस रंग थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं आएगा, पर अगर नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये गया थोड़ा सा येलो फूड कलर, तो अब हमारी सब्जी का कलर भी बहुत ही शानदार आने वाला है क्योंकि हमने इसमें कलर का इस्तेमाल किया है। लेकिन कलर से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना डाले बनाइए। मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार भूनेंगे, जिससे बढ़िया सा मसाला भूनकर तैयार हो गया। और उसके बाद उसी मिक्सी के जार को धोकर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। फ्रेंड्स, कोफ्ते की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी होती है जो काफ़ी सारे पानी को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए मैंने एक और जार भर के पानी डाल दिया। अब आने देते हैं इसमें एक बढ़िया सा उबाल, और ये लीजिए उबाल भी आ गया है। तो बस अब जो वो कोफ्ते तैयार थे वो डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसमें ऑफ कैमरा ही नमक डाल दिया है और वो शूट होने से रह गया है, तो कोई इशू नहीं है, बस अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और एकदम सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया कोफ्ते तैयार हैं, उसे भी डाल दिया। और उसके बाद मैंने लिया 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, और ये लिया 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, बहुत ज़्यादा आपको इसमें मसाले नहीं डालने हैं। और ये गया हरा धनिया। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारी कोफ्ते की सब्ज़ी तैयार है। 2 मिनट और पका लिया, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो सॉफ्ट से कोफ्ते हैं मैश हो जाएंगे। तो बस ये कोफ्ते की सब्ज़ी तैयार हुई। अब बनाएंगे हम नींबू वाले आलू, जो कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं। तो उसके लिए मैंने ये 5-6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आलूओं को छील लेंगे, और ये लीजिए आलू तो हमारे छिलकर तैयार हो गए हैं। ये सब्जी बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही कम टाइम लेती है। आलूओं का क्या है, आप कभी भी उबाल कर रख सकते हैं, और बस जब भी समय मिले आप उन्हें ठंडा करके छील लें। गैस ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रख दिया और पैन में डाला देसी घी। ये सब्जी देसी घी के साथ ही बढ़िया लगती है, तो इसे तो आप देसी घी के साथ ही बनाएं। 1 टीस्पून जितना जीरा गया, और लंबाई में चिरी हुई 2 मिर्चें डाल दी हैं, और ये लिया है मैंने हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हैं तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्चें, ये भी डाल दी। और सब चीज़ों को अच्छा सा भून लेते हैं। बस सब्जी बनाने का जो आधे से ज़्यादा काम था आपका यहीं हो चुका है। और उसके बाद ये डाल दिया मैंने इसमें 2 कप जितना पानी, और उसके बाद मैंने जो आलू लिए थे जिन्हें उबाल लिया था, बस इस तरीके से हाथों से रफली सा तोड़ लिया है। इसके लिए आप आलूओं को काटे नहीं, बिना काटे बस इस तरीके से फोड़ कर बनाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है। और इसका जो प्रॉपर लुक होता है वो इसी तरीके से फूटे हुए आलूओं से आता है। अब गया टेस्ट के हिसाब से नमक,
और लिड लगाकर मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबाल लिया है। बहुत ज़्यादा इसे ना उबालें। और ये लीजिए, हमारी मिनटों में सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। हम बना रहे हैं नींबू वाले आलू की सब्ज़ी। तो अब बारी है इसमें नींबू का रस डालने की। मैंने एक बड़ा नींबू लिया था और उसका मैंने पूरा रस इस तरीके से निकाल लिया और वो भी डाल दिया। और ये गया हरा धनिया। देखिए सेकंडों में सब्जी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे केले की पूड़ियाँ, जो कि खाने में टेस्टी होती हैं। नॉर्मल आलू की पूड़ियाँ, अरबी की पूड़ियाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन कच्चे केले की पूड़ियाँ शायद आपने अब से पहले कभी ट्राई ना करी हों। तो बस ये मैंने कच्चे केले ले लिए हैं, जिसे 2 सीटी लगाकर मैंने उबाल लिया। और उसके बाद बारी है इसे छीलने की। जब ये हल्के से गर्म हो फ्रेंड्स, उसी समय आप इसे छील लें, वरना कई बार होता है कि इनमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम करते हैं। देखिए काफ़ी ड्राई से हमारे केले तैयार हुए हैं। तो अब बारी है इन्हें कद्दूकस करने की। उसके लिए मैंने ग्रेटर ले लिया है और इस केले को हम कद्दूकस कर लेते हैं। जिस समय हल्के से गर्म हो उसी समय आप कद्दूकस कर लें, ठंडे हो जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। और ये लीजिए कद्दूकस होकर तैयार हुए। अब कर लिया एक बड़े से मिक्सिंग बाउल के अंदर और उसके बाद गया टेस्ट के हिसाब से नमक, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और ये गया 1/2 टीस्पून जितना जीरा। अगर आपको अजवाइन ज़्यादा पसंद है आप अजवाइन डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है ये 1/2 कप जितना कूटू का आटा, वो भी डाल दिया। और इसमें आप कूटू का आटा बहुत ज़्यादा ना लें, इसमें जो आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेगा वो कच्चे केले का मिलेगा, तभी ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करती हैं। काफ़ी सॉफ्ट सी बनती हैं, यानी अंदर से सॉफ्ट होती हैं, बाहर से क्रिस्पी सी होती हैं, डो लगकर तैयार है। इसे आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर आपने इसे ज़्यादा देर रेस्ट पे रखा तो कई बार फ्रेंड्स ये डो गीला हो जाता है। तो बस तुरंत आप इसे बनाना शुरू कर दें। तो हाथों को हल्का सा चिकना कर लिया और नॉर्मल जैसे हम और पूड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो जैसे हम नॉर्मल पूड़ियों के लिए लोई तैयार करते हैं, यानी डो बॉल तैयार करते हैं, वो भी तैयार कर लिए, उन्हें राउंड कर लिया। आप चाहें तो फ्रेंड्स इन्हें जैसे नॉर्मली हम कचौड़ियाँ बेलते हैं, यानी थोड़ी सी चिकनाई लगाकर उसे बेल लेते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं काम थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाए, तो अगर आपके पास पूड़ी मेकर है तो बहुत ही बढ़िया है, वरना नॉर्मल पॉलीथीन शीट से आप इस तरीके से प्रेस करके बना लीजिए। जब कई बार बेल के बनाते हैं ना, तो इसके किनारे बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। तो आसान है ना कि पॉलीथीन की शीट लें, हल्का सा प्रेस करें और इस तरीके से बेल लें। आप इसे नॉर्मल पूड़ी की तरह एकदम पतला ना करें, जैसे हम कचौड़ियाँ या आलू के पराठे रखते हैं, उस तरीके से मैंने इसे बेल कर तैयार किया है। तो ये लीजिए हमारी कुछ पूड़ियाँ तैयार हैं। इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया, ऑयल गर्म हुआ। अब एक एक करके हम इन पूड़ियों को सेकेंगे फ्रेंड्स। ये पूड़ियाँ एकदम गुब्बारे की तरह फूल कर तैयार होती हैं। और ये देखिए पूड़ी बढ़िया सी फूल चुकी है। हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, पूड़ी फूलती जाएगी, बढ़िया सी सिक कर तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए क्या बढ़िया पूड़ियों पर कलर आया है। मैंने इन्हें करीब 2.5 से 3 मिनट तक सेका है, जिससे ये प्रॉपर सिक चुकी है, कलर बढ़िया आ चुका है। सेम प्रोसेस से बाकी की पूड़ियाँ सेक लेंगे। तो लीजिए पूड़ियाँ सिक कर तैयार हैं, बारी है प्लेटिंग करने की। ये देखिए मज़ेदार आलू की सब्जी, एकदम रिच टेस्ट की कोफ्ते की सब्जी, बहुत ही बढ़िया रबड़ी जैसी लौकी की खीर, खीरे रख लिए, हरे धनिये की चटनी और ये मीठी चटनी रख ली। और ये रखिए बहुत ही टेस्टी कच्चे केले की पूड़ियाँ, है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग थाली। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही ज़बरदस्त थाली की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस नवरात्रि या कभी शिवरात्रि या जन्माष्टमी पर इसे जरूर ट्राई करेंगे और फीडबैक में मुझे भी बताएंगे। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।